हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। और आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का सेट 8। और इस सीरीज में हम कवर करेंगे 500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो इससे पहले हम हमारा सेशन शुरू करें, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है शुभम शर्मा, आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट नाउ सिलेक्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आई हैव क्वालिफाइड वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न एग्जाम्स सच एज RPFSI, हरियाणा टैक्सेशन इंस्पेक्टर, FCAT, RRB, SSC एंड अदर एग्जाम्स। आई हैव ऑल्सो क्रैक्ड ऑल द स्टेजेस ऑफ RRB ALP विच इंक्लूड्स साइको टेस्ट एंड A1 कैटेगरी मेडिकल। सो मेडिकल एंड साइको टेस्ट, जिसे बैटरी टेस्ट भी कहा जाता है, ये आपके पार्ट हैं DFCCIL ऑपरेशंस एंड BD एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। सो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझसे जुड़ सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। और ये प्रोवाइड किया गया है आपको शुभम शर्मा से कॉन्टैक्ट करके। साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं प्रीवियस सेशंस की क्विज। सो हम हमारा सेशन करते हैं शुरू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु एडवोकेटेड द अडॉप्शन ऑफ प्यूरा मॉडल टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी। देखिए, प्यूरा मॉडल जो हमारा एडवोकेट किया था वो थे APJ अब्दुल कलाम ने। और जो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी ने जो प्यूरा मॉडल एडवोकेट किया था, इसकी फुल फॉर्म थी प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। देखिए, इसकी जो फॉर्म है यही बता रही है, अर्बन एमिनिटीज़ हम प्रोवाइड करेंगे रूरल एरियाज़ में। सो APJ अब्दुल कलाम जी का विज़न था कि जो रूरल एरिया है, रूरल इकोनॉमी है, हम उसको भी इतना अट्रैक्टिव बनाएं जितनी कि हमारे शहर हैं। सो इससे हमें जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है उसको टैकल करने में मदद मिलेगी। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज़ फॉर्मुलेटेड बाय, देखिए फॉर्मुलेट की गई थी, की जाती हैं RBI के द्वारा। Who amongst the following has never been the governor of Reserve Bank of India? देखिए, हमारे ये BB भट्टाचार्य जी हैं, ये इकोनॉमिस्ट थे, ना कि हमारे गवर्नर। Which one of the following is an example for non-banking financial institution? देखिए, इसका example है LIC। Non-banking financial institution क्या होते हैं? ये वो institutions होते हैं जिनका जिनकी कोई भी रेगुलेटरी एजेंसी नहीं होती है, और ना ही इनको बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। और रेगुलेटरी एजेंसी का मतलब ना ही नेशनल रेगुलेटरी एजेंसी होती है और ना ही इंटरनेशनल, और इन्हें NBFI भी बोला जाता है, एब्रीविएटेड फॉर्म होगी। द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज, हमारे यहाँ है सर्विस सेक्टर लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट। इन ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इन विच सेक्टर ए हाई रेट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। देखिए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, और ये एवरी ईयर हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है उभर कर आती है। और ये ड्यू टू पॉपुलेशन भी है, एक तरीके से ओवर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो हम बोलेंगे, ओवर पॉपुलेशन। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई भी बंदे है या व्यक्ति है, वो आपकी नज़र में काम कर रहे हैं, पर हाल एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड होंगे। और इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए 9 पीपल जो हैं, 9 व्यक्ति एक एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रहे हैं, और अगर हम इनमें से 4 पीपल, हम यहाँ 4 व्यक्ति अगर हम हटा भी दें कि वो काम ना करें, तो भी उसकी आउटपुट पर कोई असर नहीं हो रहा है उस फील्ड पे जो हम काम कर रहे हैं उसमें। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 4 व्यक्ति हैं वो एक्स्ट्रा हमारे एफर्ट्स डाल रहे हैं जो किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमारी आउटपुट पे कोई असर नहीं हो रहा है। सो दे आर फेसिंग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP इज, देखिए GDP में वर्ड है डोमेस्टिक, तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम्स होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, और जबकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम फॉर नेट फॉरन इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी काउंट करते हैं। द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का मतलब यहाँ RBI से है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि सेंट्रल बैंक का रोल कौन निभाता है, वो RBI इज नोन एज। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। द गंगा एक्शन प्लान वॉज डायरेक्टेड बाय, देखिए ये राजीव गांधी जी ने डायरेक्ट किया था, और ये 1986 में था। इसका ऑब्जेक्टिव था गंगा में पॉल्यूशन जो है उसको रिड्यूस करें हम। Which of the following government of India programs aims to help build or upgrade dwelling units of below the poverty line rural families?
सो ये थी हमारी इंदिरा आवास योजना, इसके तहत गरीब लोगों को हम घर प्रोवाइड करेंगे। सो ये इसका लोगो था। द सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स डेटा अंडर ए न्यू रिवाइज सीरीज इन विच द बेस ईयर इज टेकन एज, इन ऑप्शन में हमारे यहाँ 2004 एंड 2005। ओवर यूज ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड ट्रेजडी ऑफ कॉमन्स, इट वॉज प्रोपाउंडेड बाई, देखिए ट्रेजडी ऑफ कॉमन्स और यहाँ जो टर्म यूज है ओवर यूज ऑफ रिसोर्स, इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि हम इन रिसोर्सिस का यूज कर रहे हैं हमारी अपने सेल्फिश रीजंस के लिए, हम सेल्फिश होकर ये यूज़ कर रहे हैं, और ये जानते हुए कि आगर चलकर लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो इस टर्म को ट्रेजडी ऑफ कॉमन्स कहा गया था और इसे प्रोपाउंड किया था गैरेट हार्डिन ने। इन इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर एस्टेब्लिश टू एनहेंस, देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारे यहाँ बनाए गए। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मतलब क्या है कि ये एक अलग से एरिया बनाए गए, इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए जो कि रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के बाकी एरिया से जो है वहाँ उससे अलग रेगुलेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ अलग होंगे। और ये किस लिए बनाए गए, ताकि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपको एस्टेब्लिशमेंट्स याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 1950। विच फाइव ईयर प्लान इज नॉट करेक्ट अमंग द फॉलोइंग, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान 1951 to 1956, मॉडल इज हैरेड डैमर मॉडल और ऑब्जेक्टिव इज इरिगेशन, जो एग्रीकल्चरल हमें एग्रीकल्चरल रूप से हमें पूरी तरीके से सफिशियंट होना था ताकि हम अपना अनाज और ये इरिगेशन जो है हम खुद कर सकें। सो डैम्स और इन पर एग्रीकल्चरल सेक्टर में ध्यान दिया गया। सेकंड फाइव ईयर प्लान 1956 to 61 बेस्ड ऑन महलनोबिस मॉडल, बता चुका हूँ आपको। और थर्ड फाइव ईयर प्लान हमारा 61 to 66 था बिल्कुल। और फोर्थ फाइव ईयर प्लान, नहीं ये 66 नहीं था, ये था 69 to 74, 1969 to 74। इंडियन स्पेशल इकोनॉमिक रूल्स अमेंडमेंट केम इन द ईयर, देखिए हमारे यहाँ जो 2006 में ये आया था रूल, और इसके तहत ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हम लेकर आए थे। और बता चुका हूँ ये डिफरेंट एक स्पेशल एरिया बनाया जाता है रेस्ट ऑफ कंट्री से, जिसमें डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशंस होते हैं, और ताकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट अपनी ओर कर सकें। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हमारा हुआ था 1952 में। और इसका मतलब, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर द न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आपने अपने स्कूल डेज में एनसीईआरटीज में भी ये पढ़ा होगा 9th 10th में, द न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये कहा था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स डिड मदन मोहन मालविया टेक लोन फॉर फाइनेंसिंग द हिंदुस्तान टाइम्स, देखिए इन्होंने लोन लिया था पंजाब नेशनल बैंक्स में, और ये किसकी मदद से लिया था, लाला लाजपत राय जो हमारे थे उनकी मदद से ये लिया था, और क्योंकि वो इन्वॉल्व थे पीएनबी से। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम से हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और फिलहाल के लिए बस आप अपना ख्याल रखिए और जुड़िए हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, एंड थैंक यू ऑल।